अपना टॉपिक जो है वो एसे ऑफ एस्पिरेंट के बारे में है। चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू माय चैनल अमरसार एकेडमी, दिस इज हिमांशु, लेट्स स्टार्ट। तो जैसा कि आप जानते हैं, एक एक एक्सपेरिमेंट के बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं, जो कि फार्मास्यूटिकल एनालिसिस और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री दोनों में आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज का जो अपना टॉपिक है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एस्पिरिन एक ऐसा नाम है जो लगभग लगभग सारे स्टूडेंट जो है फार्मेसी करते हैं वो सुनते हैं, क्योंकि एस्पिरिन जो है बहुत ही सबसे पहले डिस्कवर हो चुकी थी ड्रग, जो कि आज दिन तक अपन यूज करते हैं बिकॉज ऑफ मोस्ट पॉपुलर एंड लेस साइड इफेक्ट, या फिर एडवर्स इफेक्ट बोल सकते हैं आप उसको। ओके, तो जो एस्पिरिन है उसका अध्ययन आज जो है अपन ऐसे परफॉर्म करेंगे, लेबोरेटरी में किस हिसाब से करना है, ठीक है। मैं आपको सारा का सारा करके प्रैक्टिकली मैं आपको यहाँ पे थ्योरेटिकल की बेस लेकर प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊंगा कि करना कैसे है आप। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, यस, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि एस्पिरिन जो है, जिसको कि अपन किस नाम से जानते हैं, सैलिसिलिक एसिड के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? सैलिसिलिक एसिड। इसका मतलब कि ये एस्पिरिन जो है ये एक टाइप का एसिड है। उसका ऐसे कैसे परफॉर्म करना है उसके बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया आपको, सबसे पहले अपन को जानना होगा ऐसे क्या होता है। ओके, ऐसे क्या होता है? ऐसे का मतलब क्या है कि परसेंटेज प्योरिटी। सर, ऐसे का मतलब क्या है? परसेंटेज प्योरिटी। परसेंटेज प्योरिटी का मतलब यह है कि अगर कोई एस्पिरिन का पाउडर है मेरे पास, या फिर एस्पिरिन की टैबलेट है मेरे पास, तो उस टैबलेट का मैं एनालिसिस करूं और एनालिसिस करके ये फाइंड आउट करूं कि कितने परसेंट उसमें एस्पिरिन प्रेजेंट था, कितने परसेंट उस पाउडर में एस्पिरिन प्रेजेंट है, उसका एनालिसिस करने के लिए हम बोलते हैं उसको एसे ऑफ एस्पिरिन। ओके, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अपन जो है टेस्ट परफॉर्म करते हैं इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। डिजोल्यूशन टेस्ट करते हैं उस टैबलेट का, ऐसे परफॉर्म करते हैं, आरएस रिलेटिव स्टैंड सबस्टेंट जो इम्प्योरिटी परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ऐसे इज द मोस्ट कॉमन टेस्ट बाय परफॉर्म ईच एंड एवरी फार्मास्यूटिकल सेक्टर। ओके, तो ऐसे का परसेंटेज प्योरिटी जो है, ऐसे की प्योरिटी जो है एस्पिरिन की, वो कैसे निकालनी है उसके बारे में आज अपन अच्छे से आगे पढ़ेंगे। ओके, तो फर्स्ट व्हाट इज योर आवर एम? एम इज टू परफॉर्म ऐसे गिवन सैंपल ऑफ एस्पिरिन। नेक्स्ट सेम यही ऐसे अपन लिख सकते हैं उसको, परसेंटेज प्योरिटी ऑफ एस्पिरिन आईपी। यहाँ पे आईपी का मतलब क्या है? इंडियन फार्माकोपिया। ओके, तो यूजुअली अपन इंडियन फार्माकोपिया को स्टैंडर्ड मानते हुए आगे चलते हैं बिकॉज वी आर इंडियन। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिंसिपल की मैं बात करूँ, देखिए उससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा आप लोगों को कि काफ़ी सारा YouTube पे सपोर्ट मिल रहा है, बहुत ही अच्छी बात है। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग वीडियो। ओके, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसी भी एक्सपेरिमेंट के रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो आपको, तो आप मुझे कमेंट करें, तभी मुझे पता चलेगा कि आपको कोई कन्फ्यूजन है या नहीं, फर्स्ट बात। दूसरी बात ये कि अगर कोई एक्सपेरिमेंट जो आपको इन लेबोरेटरी समझ में नहीं आया हुआ, तो आप मुझे उस पूरा एक्सपेरिमेंट लिख के दे दीजिए, मैं आपको विद एक्सप्लेनेशन उसके पूरे की पूरे एक्सप्लेनेशन आपको बता दूंगा कि कैसे परफॉर्म करना है, कैसे रिकॉर्ड में लिखना है, ठीक है, और एग्जामिनेशन में उसकी रीडिंग कैसे रहेगी, ऑब्जर्वेशन कैसे रहेगा, सारा सब कुछ मैं आपको बता दूंगा। ओके, जहाँ तक मैं पूरी कोशिश करूंगा। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बोलना चाहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि जितना आप शेयर करोगे उतना उन स्टूडेंट पर पहुंचेगा, उतना स्टूडेंट पर पहुंचेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा क्योरी आएगी, उससे हिसाब से जो है इट माइट बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल्सो एंड मी ऑल्सो। ओके, सो प्रिंसिपल की मैं बात करता हूँ, तो और मैं बताना चाहूँगा कि आप फर्दर इसके रिलेटेड जो वीडियो देखना चाहते हैं, एक्सपेरिमेंट रिलेटेड हो, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट रिलेटेड हो, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, अलग अलग सेपरेट वाइज मैंने वीडियो बना के रखे। ओके, तो फर्स्ट ऐसे की बात कर रहे थे अपन, ऐसे ऑफ एस्पिरिन। तो प्रिंसिपल क्या है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि एस्पिरिन जो है वो क्या है? सैलिसिलिक एसिड। मतलब सर ये एसिड है,
इसका टाइट्रेशन एसिड बेस्ड टाइट्रेशन से परफॉर्म करेंगे अपन। जैसे कि मैं हमने आपको प्रीवियसली बता के रखा है कि कोई भी मॉलिक्यूल का एनालिसिस अपन जब करते हैं तो अपन को पहले पता होना चाहिए जो मॉलिक्यूल का अपन एनालिसिस करने जा रहे हैं उस मॉलिक्यूल का नेचर क्या है। अगर उसका नेचर एसिड है तो एसिड बेस्ड टाइट्रेशन परफॉर्म करेंगे, अगर वो प्रेसिपिटेट आउट हो रहा है तो प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन करेंगे, कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की उसकी नेचर है कॉम्प्लेक्सोमेटिक टाइट्रेशन करेंगे। ओके, डिफरेंट नेचर है दूसरा एनालिसिस परफॉर्म करेंगे, तो उस हिसाब से डिपेंड करेगा कि मॉलिक्यूल का नेचर क्या है। तो यहाँ पे अपन जानते हैं एस्पिरिन को अपन किस नाम से जानते हैं, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड के नाम से। तो सैलिसिलिक एसिड है बोले तो वो एसिड बेस्ड टाइट्रेशन के थ्रू अपन उसको एनालिसिस इजिली कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ, इट्स कैरिड आउट बाय एसिड बेस्ड टाइट्रेशन इन विच बेस्ड ऑन सिंपल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन को अपन एक और नाम से क्या जानते हैं, न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन। ओके, नेक्स्ट इट इज बैक टाइप ऑफ टाइट्रेशन। बैक टाइट्रेशन इसलिए परफॉर्म करते हैं क्योंकि अपन बहुत ही एक्यूरेट रिजल्ट अपन को फाइंड आउट होगा इसे बैक टाइट्रेशन करने से। ओके, नेक्स्ट एसे ऑफ एस्पिरिन बैक टाइट्रेशन कैन बी एक्सप्लेन स्टेप बाय स्टेप। देखिए क्या क्या स्टेप ये रखा है, और जिन स्टूडेंट को ये जानना है कि सर ये जो फॉर्मेट आपने लिया है वो किस बुक से है, तो ये बुक है डॉक्टर संजय फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की। इसमें से मैं आपको ये एक्सपेरिमेंट लेके समझा रहा हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप वन जो है वो क्या है, एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्पिरिन विथ एक्सेस एनिओएच। तो जैसा कि अपन जानते हैं एस्पिरिन का जो अपन एनालिसिस कर रहे हैं एसिड है, तो एसिड का एनालिसिस मैं बेस के थ्रू करूंगा, और बेस यहाँ पे जो मैं यूज कर रहा हूँ वो कौन सा है, NaOH। कौन सा है, NaOH, जहां यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया, एस्पिरिन सर सैलिसिलिक एसिड का जो ये फॉर्मूला है, फिर NaOH और जो है सोडियम सैलिसिलेट जो है वो बन गया है, फिर जो है अदर जो वाटर और मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ पे निकल गए हैं। पहला स्टेप ये। सेकंड स्टेप क्या है, बैक टाइट्रेशन ऑफ अनरिएक्टेड NaOH। देखिए बैक टाइट्रेशन में क्या होता है, एक बार मैं पढ़ लेता हूँ फिर बताता हूँ आपको। देखिए क्या लिखा हुआ है, आफ्टर द रिएक्शन एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस एस्पिरिन इज कंप्लीटेड द एक्सिस ऑफ रिमेनिंग NaOH इज बैक टाइट्रेटेड विद स्टैंडर्ड HCl यूजिंग द फिनॉल इंडिकेटर, दिस गिव्स ब्यूरेट रीडिंग फर्स्ट। देखिए उसमें क्या रहता है कि जब अपन एस्पिरिन का वो जो टाइट्रेशन परफॉर्म कर लेते हैं, जब एट द एंड पॉइंट अपन को बैक टाइट्रेशन करना पड़ता है, जो रिमेनिंग कॉनिकल फ्लास्क में NaOH प्रेजेंट है उसको अपन टाइट्रेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ HCl के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप थर्ड में क्या है, ब्लैंक टाइट्रेशन डिटर्मिनेशन में क्या है, ए ब्लैंक रेड पर्पल पैरेलल यूजिंग द सेम प्रोसीजर। ओके, एंड सैंपल ऑफ एस्पिरिन गिव द ब्यूरेट रीडिंग टू। ठीक है, तो इस हिसाब से अपन इसको परफॉर्म करेंगे। फिर नेक्स्ट फोर्थ स्टेप क्या है, डिफरेंशिएट द रीडिंग डिटर्मिनेशन द अमाउंट ऑफ टाइट्रेट रिक्वायर्ड टू द एनालाइट सब्सटेंस एंड मेन वॉल्यूम ऑफ ब्यूरेट वन एंड ब्यूरेट टू, दोनों को मिला के फिर अपन को एक रीडिंग निकालनी पड़ेगी, उसके हेल्प से अपन परफॉर्म कर पाएंगे। ओके, तो यहाँ तक अपना कंसेप्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं रिक्वायरमेंट क्या क्या रहेगी, अपरेटस जो नॉर्मल अपन टाइट्रेशन में यूज करते हैं, और केमिकल वगैरह जो अपन को यहाँ पे जिसका एनालिसिस परफॉर्म करना है। ओके, नेक्स्ट थ्योरी की बात करें अपन, तो थ्योरी में एस्पिरिन का जो एनालिट है, मॉलिकुलर स्ट्रक्चर जो इसका एस्पिरिन का अपन जानते हैं ये है, मॉलिकुलर वेट मॉलिकुलर फार्मूला 180, मॉलिकुलर वेट एसिटाइल कोल जो सैलिसिलिक एसिड अपन उसको बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट उसका 135 डिग्री सेंटीग्रेड है, डिस्क्रिप्शन जो है वो वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर अपन को जानते हैं, वाटरलेस कलर का होता है, फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी क्या है, एनाल्जेसिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी पायरेटिक एक्टिविटी होती है। यूजुअली अपन देखते हैं मार्केट में डिस्पिन नाम करके जो मोस्ट पॉपुलर ब्रांड है एस्पिरिन की। तो सैलिसिलिक एसिड में एक चीज ध्यान रखना आपको कि एस्पिरिन का फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी की अगर मैं बात करूँ, तो जिसमें कि आपने नॉर्मली आपने एक नोट की होगी चीज कि जो डिस्पिन की टैबलेट आती है वो 300 mg की आती है, जबकि अगर अपन देखें इको स्प्रिन करके आती है जो कि ब्लड को थिनर करती है, तो वो 75 mg करके आती है। ठीक है, तो एस्पिरिन एक ऐसा ड्रग है जो कि वेरी करता है अपने डोज के ऊपर, अगर वो 300 mg में लिया जाएगा तो वो एज ए डिस्प्रिन जो है पेन किलर में यूज आती है, एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक, बट इसको लो डोज एस्पिरिन अगर अपन लेंगे तो वो ब्लड थिनर में काम आती है, ब्लड को पतला करने में काम आती है। तो ये सारे की सारी जो इसकी है फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी है। नेक्स्ट यूज क्या है, टू ट्रीट पेन, यस इन्फ्लेमेटरी, एंड समटाइम यूज इन प्रिवेंट हार्ट अटैक,
हार्ट अटैक में क्यों? क्योंकि वो ब्लड को थिनर करती है, इस हिसाब से। तो एस्पिरिन शुड बी कार्डियोवास्कुलर कंडीशन एंड अंडर द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर। जैसा कि अपन जानते हैं, डॉक्टर की सलाह मशवरा से अपन को एस्पिरिन जो है वो यूज करनी पड़ती है। स्टोरेज की बात करें अपन, तो नॉट एक्सीड 30 डिग्री मॉइस्चर कैन बी हाइड्रोलाइज एस्पिरिन देयर फॉर कीप्ड इन ड्राई फ्रूट। अब सॉल्यूशन जो है अपन को कौन कौन से बनाना है, देखिए, वन नॉर्मल का अपन HCl बनाना है। कैसे बनाना है? वन नॉर्मल का HCl अपन को बनाना है 85 ml HCl लेना है 1000 ml में। ओके, ये अपना बन जाएगा वन नॉर्मल का सॉल्यूशन। फिर वन नॉर्मल का NaOH कैसे बनाना है, 40 ग्राम NaOH लेके अपन को 1000 ml वाटर में डालना है। देखिए, ये इतना ईजी नहीं है वन नॉर्मल, ये पूरा का पूरा मैंने इसके लिए सेपरेट वीडियो बना के रखा है। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देखिए, वन नॉर्मल HCl बनाया हुआ है, वन नॉर्मल NaOH बनाया हुआ है, सारा सब कुछ बनाया हुआ है। तो अपना कंसेप्ट जो क्लियर है, जो हमारा स्टूडेंट है वो बिल्कुल बिल्कुल पता है कि सर यस बिल्कुल आपने 40 ग्राम क्यों लिया, ये वो नहीं पूछेगा, क्योंकि उसको पता है कि सर NaOH जो वन नॉर्मल बनाना है, मॉलिकुलर वेट उसका क्या है, NaOH मतलब सर 23 जो है इसके हो गए, 16 इसके हो गए, एक ये हो गया, इसका मॉलिकुलर वेट हो गया सर 40। तो मॉलिकुलर वेट बोले तो मोल पर लीटर, 40 ग्राम पर लीटर में अपने डाल दिया और वन नॉर्मल NaOH तैयार हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अपन चलते हैं सर। नेक्स्ट जो है चलिए ये थोड़ा सा, हाँ ये वाला ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट मॉलिकुलर फॉर्मूला की बात आ गई। यहाँ तक अपन ने कंप्लीट कर लिया। ओके, नेक्स्ट अपन चलते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में, कौन कौन से प्रिपरेशन अपन को करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन जो है प्रिपरेशन एंड रिएजेंट के बारे में बताऊँ मैं आपको। तो 0.5 मोलर हाइड्रोक्लोरिक एसिड अपन को बनाना है। वो कैसे बनाना है, 85 का जो है आधा करके अपन बना सकते हैं। 0.5 हाइड्रोक्साइड मॉलिक्यूल बनाना है 20 ग्राम। वन नॉर्मल के लिए अपन को कितना डालना था, 40 ग्राम। तो यहाँ पर 0.5 बनाना है, तो अपन ने 20 ग्राम 1000 ml में ले लिया, 0.5 बन गया। फिर फिनॉल रेड इंडिकेटर अपन को यूज करना है। अब स्टैंडर्डाइजेशन का प्रोसेस करते हैं। देखिए, किसी भी ऐसे करते हैं अपन परफॉर्म करते हैं, तो ऐसे में दो स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना चाहिए आपको। दो स्टेप कौन कौन से? फर्स्ट सर, किसी भी सॉल्यूशन को अगर अपन ले रहे हैं किसी भी ड्रग का एनालिसिस करने के लिए, तो उस सॉल्यूशन को जैसे कि NaOH परफॉर्म कर रहे हैं या HCl परफॉर्म कर रहे हैं, तो NaOH HCl का अपन को पहले स्टैंडर्डाइजेशन करना पड़ेगा। अब स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या है? देखिए, स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब यह है किसी भी अननोन सैंपल की नॉर्मलिटी या कंसंट्रेशन फाइंड आउट करना विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी स्टैंडर्ड। सर, प्राइमरी स्टैंडर्ड क्या होता है? प्राइमरी स्टैंडर्ड इज ए 100% प्योर फॉर्म अवेलेबल। देखिए, प्राइमरी स्टैंडर्ड ऐसे सब्सटेंस होते हैं सर, दे आर अवेलेबल इन 100% प्योर फॉर्म। ओके, सो उनकी हेल्प से अपन सेकेंडरी स्टैंडर्ड जो है NaOH HCl की स्टैंडर्ड नॉर्मलिटी फाइंड आउट करेंगे। नॉर्मलिटी फाइंड आउट करने के बाद उस सॉल्यूशन से अपन एसिड बेस्ड टाइट्रेशन जो है परफॉर्म करेंगे एस्पिरिन का। ओके, तो फैक्टर कैलकुलेशन की अगर मैं बात करूं, तो यहां पे दोनों का पहले अपन को स्टैंडर्डाइजेशन करना है। अब बात आती है ऐसे की, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसके के बारे में अपन पूरा पूरा लेक्चर परफॉर्म कर रहे हैं, वो है ये ऐसे प्रोसीजर जो है एस्पिरिन का क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन को क्या करना है, यहाँ पे मैं जो है कॉनिकल फ्लास्क बना रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, उसके जैसा तो नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये अपना कॉनिकल फ्लास्क बन गया। अब अपन को क्या करना है सर, एस्पिरिन जो है 1.5 ग्राम वेट करना है। 1.5 ग्राम जो है एस्पिरिन मैंने वे कर लिया, और वे करने के बाद मैंने यहाँ पे 1.5 ग्राम जो है एस्पिरिन कॉनिकल फ्लास्क में डाल दिया। फिर क्या करना है, सेकेंड स्टेप, डिजोल्व 15 ml ऑफ इथेनॉल। अब इसमें क्या करना है, 15 ml जो है मेरे को क्या डालना है, 15 ml इथेनॉल डालना है। फिर ऐड 50 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, 50 ml क्या डालना है, NaOH का सॉल्यूशन डालना है, 0.5 नॉर्मल का जो अपन ने बनाया। ठीक है, फिर क्या है, फोर्थ स्टेप में बॉइल जेंटली 10 मिनट, 10 मिनट के लिए उसको बॉइल करना है इस कॉनिकल फ्लास्क को। फिर उसमें क्या करना है, ऐड फ्यू ड्रॉप ऑफ फिनॉल, फिनॉल रेड इंडिकेटर डालना है। नेक्स्ट, फिर सिक्स स्टेप में क्या है, टाइट्रेट अब वो सॉल्यूशन एक्सेस अननोन कंज्यूम एल्कलाई विद 0.5 हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू गेट एंड पॉइंट परमानेंट फेंट पिंक कलर। अब क्या करना है अपन को, सबसे पहले कि यहाँ पे अपन ने 0.5 मोलर का सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला है, उसको अपन टाइट्रेट करेंगे सबसे पहले 0.5 मोलर का ही HCl के थ्रू। और जैसे ही वहां पे अपन टाइट्रेट करेंगे, उसमें अपन को फेंट पिंक कलर जो प्रेजेंट होगा उसमें अपन डाल लेंगे, ये जो है इसका एंड पॉइंट आ चुका है। रिपीटेड दिस सॉल्यूशन अपन को विदाउट टेकिंग सब्सटेंस अंडर द एक्सप्लेनेशन विदाउट द एक्सप्लेन एंड डिफरेंट बिटवीन द टाइट्रेशन रिप्रेजेंट द रिक्वायर। ठीक है,
तो जैसे कि अपन ने मालूम चल गया, सबसे पहले क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप वापस मैं बता देता हूँ। देखिए 1.5 ग्राम अपन को एस्प्रिन लेना है, डिजोल्व करना है 15 ml इथेनॉल में, इजिली वो डिजोल्व हो जाएगा। फिर 50 ml जो है अपन को 0.5 मोलर हाइड्रोक्साइड NaOH लेना है, फिर बॉईल करना है इसको 10 मिनट। फिर फ्यू ड्रॉप फिनॉल रेड के डालने के बाद उसको टाइट्रेट करना है जो एक्सेस अमाउंट में इन एक्सेस अनकंज्यूम्ड एल्कलाई विद 0.5 मोलर हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू गेट एंड पॉइंट एंड परमानेंट फेंट पिंक कलर। ठीक है, फिर रिपीट करना है इस प्रोसीजर को विदाउट द सब्सटेंस अंडर द एक्सप्लेन एग्जामिन। ओके, विदाउट द एस्पिरिन इज कॉल्ड ब्लैंक टाइट्रेशन। ठीक है, तो सबसे पहले अपन को उसमें जो एक्सेस अमाउंट में एनएओएच है उसको टाइट्रेट करना है विद द हेल्प ऑफ एचसीएल के थ्रू। फिर जैसे ही फेंट पिंक कलर आ जाएगा उसके एट दैट पॉइंट पर उनको टाइट्रेशन का रिजल्ट भी मिल जाएगा। तो इस हिसाब से अपन जो है प्रोसीजर यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इस हिसाब से जो एस्पिरिन का एसरे जो है परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट ब्यूरेट रीडिंग की मैं बात करूँ तो उसमें अपन को ज़्यादा जानते हैं अपन, फर्स्ट टू एंड थ्री, तीन रीडिंग अपन को लेनी है। कितनी लेनी है, यूजुअली अपन तीन रीडिंग लेते हैं, तीन रीडिंग का मीन निकालते हैं, मीन निकालने के बाद जो है एवरेज निकलता है वो अपन जो है नॉर्मलिटी लेते हैं एनएओएच की। उसके बाद में अपन बात करते हैं कैलकुलेशन एंड फैक्टर के बारे में। स्टेप थर्ड क्या है यहाँ पे, डिफरेंस रिगार्डिंग एनएओएच की जो है रीडिंग, उसके बाद में अमाउंट ऑफ एस्पिरिन जो है वो कितना आया, और फिर अपन को स्टेप निकालना है प्योरिटी। तो फर्स्ट अपन जानेंगे, देखिए फाइंड आउट द 1 ml 0.5 मोलर NaOH इज इक्वल टू 0.04505 ग्राम ऑफ एस्प्रिन। ठीक है, सो फाइंड आउट द डिफरेंट रीडिंग ऑफ NaOH डिफरेंट रिगार्डिंग। तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा कि 1 मोल 1 ml जो NaOH जो है वो कितने ग्राम एस्प्रिन के बराबर है। देखिए यहाँ से ये स्टेप लीजिए, आप कलर चेंज कर लेता हूँ मैं। देखिए कि 0.1 ml ड्रॉ करके बता देता हूँ आपको, ये अपना ब्यूरेट में क्या फिल है, सब ब्यूरेट में मेरा NaOH फिल है, यहाँ पे मेरा कॉनिकल फ्लास्क में जो है एस्प्रिन अवेलेबल है। अब यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है ये स्टेप कि 1 ml, देखिए वापस से बता देता हूँ मैं आपको। देखिए 1 ml 0.5 मोलर NaOH इज इक्वलेंट टू 0.045 ग्राम ऑफ एस्पिरिन। ओके, तो फैक्टर कैलकुलेशन में अपन को ये पता चलता है कि 1 ml 0.5 मोलर एस्पिरिन जो है, सॉरी 1 ml 0.5 ml 1 ml 0.5 मोलर NaOH जो है वो 0.45404 ग्राम ऑफ एस्पिरिन के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन सिंपल कैलकुलेशन ये भी कर सकते हैं कि 1 ml जो है वो इतने ग्राम के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे अपनी जैसे रीडिंग आई अपनी 20, तो 20 ml कितने ग्राम के बराबर होगा। तो सिंपल ऐसे भी अपन कैलकुलेट जो है वो कर सकते हैं, इजी कैलकुलेशन है। तो इस हिसाब से अपन जो है आगे इसको कैसे निकालेंगे, देखिए ये रहा। ठीक है, यहाँ पे ग्राम ऑफ एस्पिरिन आ गया, इस ग्राम ऑफ एस्पिरिन को अपन यहाँ पे लिखना है। ZML ऑफ क्या है ये, NaOH की जो नॉर्मलिटी आई है ब्यूरेट में रीडिंग आई वो यहाँ पे लिखनी है। फिर यहाँ पे फैक्टर लिखना है अपन को, फैक्टर लिखने के बाद 1 × 4 0.5 से आगे बढ़ना है। स्टेप फोर क्या है देखिए, स्टेप फाइव जो है वो प्योरिटी कैसे निकालनी है। 1.5 ग्राम ऑफ एस्पिरिन 100% है, तो 1 ग्राम ऑफ कितने परसेंट के बराबर होगा, इस हिसाब से अपन उसकी परसेंटेज प्योरिटी जो है इजीली निकाल सकते हैं। ओके, तो यहाँ तक आपको वीडियो समझ में आया होगा कि परसेंटेज प्योरिटी अपन ने कैसे फैक्टर कैलकुलेशन करके निकाली है। नेक्स्ट लिमिटेशन की बात करें अपन, लिमिटेशन क्या होती है, देखिए किसी भी ड्रग जो है वो एक लिमिट में उसकी परसेंटेज प्योरिटी आती है। जैसे अपने HCl की बात करें तो HCl जो है 37% में ही प्योर फॉर्म में अवेलेबल होता है, जबकि अपन एस्पिरिन की बात कर रहे हैं तो 99.5% जो है एस्पिरिन प्योर फॉर्म में अवेलेबल होता है। ये ऐसे का आप मेंशन लेबल क्लेम में किस किधर देख सकते हैं, देखिए जैसे कि कोई अपन केमिकल जो यूज करते हैं लेबोरेटरी में, उसको अगर अपन देखेंगे लेबल क्लेम उसका देखेंगे तो लेबल क्लेम में कहाँ का क्लियर कट लिखा हुआ होता है कि ऐसे इक्वल टू 98% या 99% है ना। तो उस हिसाब से अपन देखते हैं ऐसे जो है उसकी एक लिमिट सेट होती है। तो यहाँ पे एस्पिरिन की लिमिट जो है वो कितनी है,
99.5 से 100.5 के बीच में रहेगा, ठीक है। फिर लास्ट जो है आपको रीडिंग लिखनी है, सबसे पहले तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की नॉर्मलिटी लिखनी है, फिर अपन एनएमएच की नॉर्मलिटी, और फिर बाद में परसेंटेज प्योरिटी ऑफ एस्पिरिन की लिख के अपन आगे बढ़ सकते हैं। ओके, सो इसी के साथ अपना एस्पिरिन का ऐसे जो है प्रोसीजर पूरा हुआ। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि एक बार आपको अच्छे से समझाने के बाद फिर आप अगर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे तो बहुत ही ईजी रहेगा आपके लिए, अच्छे से परफॉर्म होगा, रिजल्ट भी अच्छा आएगा। देखिए इसमें एक और स्टेप अपन ये कर सकते हैं, अपन डायरेक्टली इसको भी टाइट्रेशन कर सकते हैं। ये तो बैक टाइट्रेशन से अपन ने परफॉर्म किया, अगर अपन बैक टाइट्रेशन से परफॉर्म नहीं करना चाहते तो डायरेक्ट टाइट्रेशन से अपन कैसे परफॉर्म करेंगे, सीधा अपन एनएओएच लेंगे, एनएओएच का स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे, स्टैंडर्डाइजेशन करने के बाद उसी एनएओएच से अपन जो है फर्दर एस्पिरिन से टाइट्रेशन कर सकते हैं। 1.5 ग्राम एस्पिरिन लेके उसके फिनोफ्थलिन इंडिकेटर दाके अपन उसको टाइट्रेशन कर सकते हैं, तो इस हिसाब से भी कर सकते हैं। ये जो मैंने मेथड बताया वो बैक टाइट्रेशन की हेल्प से है। ओके, जिस हिसाब से आप करना चाहिए उस हिसाब से ऐसे को परफॉर्म कर सकते हैं एस्पिरिन का। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चलिए कंप्लीट होता है ऐसे का एस्पिरिन का कंप्लीट। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मासिस्ट स्टूडेंट को शेयर करें। ओके, थैंक यू सो मच।